आप ये मत समझो कि हमने बूढ़े हो गए माँ बाप तो कचरा समझ के हटा दिया या कचरे के डब्बे में डाल दिया, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई जिंदगी में, दुआओं में मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियां उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। मेरा बेटा छोटा था तभी मैंने, खालिद भट्ट साहब जा रहे थे उमरा करने मदीना, तो मैंने उनको एक कागज के ऊपर लिख के दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे नबी के सदके मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी थी कि मैंने एक कागज पे लिखा था कि या अल्लाह मेरे बेटे को इतना उरूज देना जितना अमिताभ बच्चन का नाम है, जितना लोग अमिताभ को पहचानते हैं इतना मेरे बेटे को पहचाने। मैंने अल्लाह से दुआ की, मदीने में वो लेटर भेजा मैंने वो करके, मैंने उनको कहा था खालिद भट्ट साहब को कि आप दुआ भी करना और ये लेटर जो है ये आप वहां पे उनके कदमों में रख के आना कि वो मेरी दुआ सुने। अल्लाह मियां से यही दुआ थी कि अल्लाह उसे बहुत बड़ा स्टार बनाए, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई जिंदगी में, दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियां उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। ठीक है, अपने माँ बाप की इज्जत करो, माल और बाप से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आप उनकी इज्जत करोगे तो आपको भाग लगेंगे, अगर आप उनको ठुकराओगे तो खुदा ठुकराता है, क्योंकि माँ और बाप के कदमों के नीचे जन्नत भी है और उनकी दुआओं में असर भी है। आप ये मत समझो कि हमने बूढ़े हो गए माँ बाप तो कचरा समझ के हटा दिया या कचरे के डब्बे में डाल दिया। ये आजकल क्या वो खुले ओल्ड हाउस वगैरह जाके छोड़ आते माओं को, बस ये बहुत बुरा सेटअप है। आप अंग्रेज नहीं है, आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप इस्लाम से वाबस्ता हैं। तो अगर आप इस्लाम से वाबस्ता हैं और कलमा गो है तो आपके दिल में खौफ खुदा होना चाहिए और उस खौफ खुदा में अपने माँ बाप की इज्जत शामिल है।